तो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ तुम लोग के लिए एक न्यू वीडियो लेकर। आज मैं तुम लोगों को देने वाला हूँ रियलिस्टिक सा पिक्सल वन मोड। कह लो तुम लोग अपना कॉबल वन मोड, वो भी तुम्हारे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के लिए। ये बहुत ही रियलिस्टिक सा मोड होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तुम लोग को डिस्क्रिप्शन के लिंक से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर तुम लोग को डाउनलोड लिंक देखने के लिए मिल जाएगी। तुम लोग को वार्न कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट स्किप मत करना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोड को कैसे क्या अप्लाई करना है वो सब बताए। यहाँ पर तुम लोग को 5 फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। सिंपली 5 फाइल्स को डाउनलोड करने के बाद तुम्हें 2 तो होगी यहाँ पर व्यूअर की और 3 होगी यहाँ पर रिसोर्स की, जो कि तुम लोग को इस तरह की लगा देनी है। तुम लोग को 3 फाइल्स यहाँ पर रिसोर्स में डाल रहा है, जो कि होगा सर्कल बीटा और R1 और R, यहाँ पर इन तीनों को यहाँ पर इस तरह के एडजस्ट कर लेना है। मैं सिंपली कर रहा हूँ। यहाँ पर व्यूअर में जाके तुम लोग को B को ऊपर रखना और B1 को नीचे रखना है। तुम लोग को सिंपली आप एक्सपेरिमेंटल मोड ऑन कर देना है। एक्सपेरिमेंटल मोड ऑन करने के बाद तुम्हें सिंपली चले जाने क्रिएट वर्ल्ड के अंदर, और क्रिएट वर्ल्ड करते तुम्हारे सामने ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर आती तुम लोग को देखने के लिए लेस्ट आटी और जर्नी, तुम लोग को एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तुम लोग को यहाँ पर जन 3 तक के पोकेमॉन देखने के लिए मिल जाएंगे। तुम लोग का तो पता नहीं, मेरा तो यहाँ पर पर्सनल फेवरेट जन 1 होने वाला है, तो मैं जन 1 को ही सिलेक्ट करूंगा। तुम लोग अपना देख लेना, जन 1 के अंदर तुम लोग को इस टाइप के पोकेमॉन देखने के लिए मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग तुम्हारा फेवरेट पोकेमॉन पिकाचू। अगर तुम लोग पोकेमॉन के सच्चे लवर हो तो तुम लोग अपना फेवरेट पोकेमॉन तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो यहाँ पर मैंने फटाफट चार्मेंटर को सिलेक्ट कर लिया है। तुम लोग को मैं बताने वाला हूँ तुम लोग पोकेमॉन बाहर कैसे निकाल सकते हो। तुम लोग को सिंपल यहाँ पर क्राउच कर देना, और क्राउच करके तुम्हारा जो भी पोकेमॉन निकाला है तुम लोग उसको सिलेक्ट कर लेना है। तुम लोग को पॉकेट टैप से होल्ड करना है, वहाँ पर तुम लोग सेंड टू रिटर्न के बाद तेरा पोकेमॉन इजीली बाहर आ जाएगा। और इसी ट्रिक की मदद से तुम लोग अपने पोकेमॉन को अंदर भी ले सकते हो। पहले मोड के अंदर तुम लोग को पोकेमॉन पकड़ने का भी एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिलता है। मैं तुम लोग एक पोकेमॉन पकड़ के भी दिखा देता हूँ, जो कि यहाँ पर मेरे सामने एक बटरफ्ली है। चलो इसके ऊपर पोकेबॉल फेंका, ये देखो तुम लोग के बस एनिमेशन। पकड़ने तक का भी तुम लोग को एनिमेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक देखने को मिलता है इस वाले मोड के अंदर। सिंपली तुम लोग जो भी पोकेमॉन को पकड़ोगे तुम्हारे सामने ऐसा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तुम्हें उसके सामने जाकर यहाँ पर टेक के ऊपर क्लिक कर देना और तुम्हारा पोकेमॉन तुम्हारे इन्वेंटरी के अंदर आ जाएगा। और इस वाले मोड के अंदर तुम लोग को बोनस कपड़े भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि एश मिस्टी ब्रॉक और टीम रॉकेट के कपड़े। तुम लोग अपना सर्वाइवल के अंदर क्राफ्ट भी कर सकते हो। अगर तुम लोग इस मोड को पूरा ही सर्वाइवल खेलते हो तो तुम लोग को यहाँ पर जगह जगह पर पोकेमॉन सेंटर भी देखने के लिए मिल जाएगा। तुम्हें सिंपली वहाँ जाकर एक बटन देखने के लिए मिल जाएगा। अगर तुम लोग बटन को दबाते ही तुम्हारे सामने यहाँ पर देखो नर्स जॉय आ चुके हैं। वहाँ पर तुम लोग को एक क्योर का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा उसके मशीन के अंदर। तुम लोग अपने हारे हुए पोकेमॉन या फिर डेड पोकेमॉन को भी यहाँ पर क्योर कर सकते हो बड़ी आराम से। तो इस वाले मोड के अंदर तुम लोग को बैटल करने का एक्सपीरियंस बहुत ही खतरनाक देखने के लिए मिलता है, क्योंकि तुम लोग इसके अंदर डायनामैक्स और ड्रैगन मैक्स भी देखने के लिए मिल जाता है। डायनामैक्स बैंड को अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ लेना है। तुम लोग जिस भी पोकेमॉन को लड़ा है उसके ऊपर बैटल के ऊपर क्लिक करते यहाँ पर देखो मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कर देना है। मेरा भी पोकेमॉन यहाँ पर डायनामैक्स हो जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर पिकाचू हो चुका है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने वाला है। इसका बैट पोके टाइप की मदद से इसके इन दोनों की फाइट भी करवा सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। यहाँ पर देखो यहाँ पर दोनों की फाइट तो शुरू हो चुकी है, देखते कौन जीतेगा। यहाँ पर मेरे पिकाचू के जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। चलो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर पिकाचू मेरा जीत चुका है। तुम्हारा पोकेमॉन कोई भी इवॉल्व होने वाला है तो कुछ ऐसा चमकने लगेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर देखो मेरा पोकेमॉन यहाँ पर इवॉल्व हो चुका है। तुम लोग को इस वाले मोड के अंदर तुम लोग को जन 1 से लेकर जन 3 के सारे पोकेमॉन की यहाँ पर डिटेल में लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, कि तुम लोग अपने पोके टाइप को होल्ड करके भी देख सकते हो पूरा। और इस वाले मोड के अंदर तुम लोग को म्यूटू और म्यू भी देखने के लिए मिलता है हर मोड की तरह। तुम लोग इसके अंदर भी यहाँ पर पोके स्टॉप, यहाँ पर तुम लोग को पोकेमॉन एक्सचेंजर भी तुम लोग को बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलती है। तुम लोग खुद डाउनलोड करके देख लेना। और भी तुम लोग को यहाँ पर फॉसल्स का यहाँ पर मशीन देखने को मिलता है, जो कि तुम लोग इस फॉसल को ढूंढ के इसके अंदर से तुम लोग अपने पुराने पोकेमॉन को क्योर करके निकाल भी सकते हो। तुम लोग को इसके अंदर कॉलिंग का भी फीचर देखने को मिलता है। अगर तुम लोग मल्टीप्लेयर खेलते हो तुम लोग अपने फ्रेंड के साथ यहाँ से बात भी कर सकते हो सिंपली। तुम लोग को देखने के मिलता है पीसी। अगर तुम लोग पोकेमॉन को यहाँ पर तुम लोग ने बहुत सारे पोकेमॉन के गेम खेले तुम लोग को इसके बारे में पता होगा, किसी स्टोरेज का काम करता है। यहाँ पर तुम लोग अपने पोकेबॉल और पोकेमॉन को भी स्टोर करके रख सकते हो। और इस वाले मोड के अंदर तुम लोग को प्रोफेसर जेनी, यहाँ पर नर्स जॉय और भी तुम लोग को बहुत सारे नए नए कैरेक्टर भी देखने के लिए मिल जाते हैं तुम लोग को इसके अंदर। तो तुम लोग को यहाँ पर ट्रेडर और यहाँ पर तुम लोग को यहाँ पर जिम लीडर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी मदद से तुम लोग जीत के बैचेस भी कलेक्ट कर सकते हो। फ्यूचर के अंदर इसका यहाँ पर जिम लीडर का सिस्टम भी आने वाला है, जो कि यहाँ पर तुम लोग को जिम बैटल भी देखने के लिए मिलते हैं टूर्नामेंट वाले। ये वाली साइकिल तो तुम लोग को याद ही होगी, जिसको कि पिकाचू ने जला दिया था पहले एपिसोड के अंदर, जो कि यहाँ पर मिस्टेक होने वाली है। इसको क्राफ्ट करके लेना चाहते हो ले भी सकते हो, नहीं तो तुम लोग किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर स्पॉन हुई मिल जाएगी। तो यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर तुम लोग और भी डिटेल में जाना है तो तुम लोग खुद मोड को डाउनलोड करके देख लेना। वापस बता दो तुम लोग को मोड की डाउनलोडिंग डिस्कॉर्ड के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन होने की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी, तुम लोग वहाँ से जाकर इजिली ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम लोग को मोड के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग मुझे शाम के टाइम डिस्कॉर्ड पर ऑन ही रहता, तो तुम लोग मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ भी सकते हो। यही था आज के इस वीडियो के लिए। आई होप तुम लोग को वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।